उदयपुर हत्याकांड से जुड़ी ऐसी जानकारियां मिल रही हैं जो दिल को दहलाने वाली है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की पूछताछ से राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को पता चला है कि मुख्य अभियुक्तों की सूचना सिर्फ कन्हैया लाल की हत्या के सीमित नहीं है। वे उनके अलावा और 5 लोगों को जान से मार डालना चाहते थे। मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार हो गए और उनकी योजना पर पानी छूट गया। याद दिलाते हैं कि राजस्थान के उदयपुर में वो लोग कन्हैया लाल की टेलरिंग शॉप में कपड़े सिलवाने के बहाने गए और तेज धारदार हथियारों से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने वहां से मोटरसाइकिल से भाग निकलने के बाद अपने फेसबुक पेज पर इससे जुड़ी जानकारी और तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने कहा था कि यह हत्या BJP की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन करने के कारण बदला लेने के लिए की गई थी। बता दें कि नुपुर शर्मा ने BJP राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में एक TV डिबेट में पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बाद में BJP ने उन्हें निलंबित कर दिया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने उदयपुर हत्याकांड के 7वें अभियुक्त फरहाद को बबला से पूछताछ की तो कई अहम खुलासे हुए। फरहाद ने बताया कि उसे हिटलिस्ट में शामिल लोगों की रेकी करने की जिम्मेदारी दी गई थी। उसने स्थानीय स्तर पर अपने लोगों के साथ कन्हैया लाल समेत 5 लोगों की रेकी की थी। नूपुर शर्मा के समर्थकों की पूरी जानकारी जुटाई गई थी और मुख्य अभियुक्त रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद के अलावा साजिश में शामिल सभी लोगों के साथ से साझा किया गया था। इसके अलावा 16 जून को इन लोगों ने एक गुप्त बैठक की थी और इसमें फरहाद ने ही हत्या के बाद उसका वीडियो बनाने की सलाह दी थी ताकि लोगों में दहशत फैलाई जा सके। NIA के अनुसार फरहाद घटना के मुख्य अभियुक्त रियाज अत्तारी का रिश्तेदार है। फरहाद को साजिश की पूरी जानकारी थी। उसने रियाज और बॉस की आर्थिक मदद भी की। अब NIA फरहाद के गैंग के उन सदस्यों की भी तलाश कर रही है जो कन्हैया लाल समेत अन्य लोगों की रेकी में शामिल थे। याद दिलाते हैं कि उदयपुर के 3 शाह कॉलोनी में रहने वाले फरहाद को 30 जून को हिरासत में लिया गया था। पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि उदयपुर के बाद ऐसा ही महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। उमेश कोल्हे नाम के एक केमिस्ट को बीच सड़क पर उनके स्कूटर से उतार कर तेज धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। कोल्हे ने भी फेसबुक पर नुपुर शर्मा का समर्थन किया था। NIA अमरावती हत्याकांड की जांच कर रहा है।